तो हेलो फ्रेंड्स, जिस फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बॉडी मसाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो बॉडी मसाज के जो हमें इस वीडियो में बॉडी मसाज आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, बॉडी मसाज करने से क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, तो आज हम उसी हिसाब से आप कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी मसाज के बेनिफिट्स के बारे में। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट नंबर वन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको बताया कि दोस्तों कि हम जब जिम जाते हैं, जिम जाने के कारण जो है हमारी मसल्स में जो है वो ज़्यादा टाइटनेस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर अगर आप 3 से 4 महीना अगर जिम करते हो तो मसल जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ जाते हैं। इसी कारण जो है आपको जो जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए और रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है, उसका कारण जो है मसल जो है वो आपकी स्टिफ हो गए है। जब तक आपका मसल जो स्टिफ है तब तक आपको जो किसी कोई प्रकार का जो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप बॉडी मसाज करेंगे तो उस मसल में जो है रूम खुल जाता है, मसल जो है फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इसी कारण जो है आपका जो गोल है उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। इसके लिए जो है आपको जो है बॉडी मसाज करनी चाहिए दोस्तों। अभी बात करते हैं बॉडी मसाज के बेनिफिट नंबर टू के बारे में दोस्तों। तो जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करते समय जो हमारी बॉडी जो स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसी कारण जो है आपको जो है किसी भी तरीके से आप जो है मूव नहीं कर पाते। जिसके कारण जो है हमारा उसके कारण जो है बॉडी में अगर जब मसल स्टिफ हो जाती है तो बॉडी जो है मूव नहीं करती है। इसी कारण आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब आप बॉडी मसाज करोगे तो उससे जो है आपके बॉडी में जो मसल जो है मसल फ्री हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी भी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बॉडी मसाज आपको करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं बॉडी मसाज नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों बॉडी मसाज के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैट लॉस। या दोस्तों अगर आप जिम जा रहे हो, अगर जिम में आपका गोल है फैट लॉस करना, तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है बॉडी मसाज। या दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करता है बॉडी मसाज। तो आप जो है बिल्कुल भी आप जो है बॉडी मसाज को इग्नोर ना करें और बॉडी मसाज आप रेगुलर ले सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैकेज है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मनी। तो अगर आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो आप जो है हर महीने आप बॉडी मसाज कर सकते हो, या फिर हर 1.5 महीने के बाद एक बार मसाज जरूर करिए अगर आप रोजाना जिम जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं बॉडी मसाज के बेनिफिट नंबर 4 के बारे में। और दोस्तों इससे जो अगर आप बॉडी मसाज जो है, अगर आपको बीपी हाई, अगर आपको हाई बीपी का अगर प्रॉब्लम है तो आपको जो आप जो है आपकी बैक की मसाज जरूर करें दोस्तों। क्योंकि बॉडी मसाज करने से जो है दोस्तों आपका जो हाई बीपी वो भी आपको नॉर्मल हो जाता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है। नॉर्मली ये हाई बीपी आपको कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो आप जो है हमेशा 15-15-20-20 दिन में आपको जो है आपको अगर हाई बीपी का अगर आपको तकलीफ है तो आप जो है आपकी बैक की मालिश जरूर करिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करते हैं बेनिफिट नंबर 5 के बारे में। जो दोस्तों वो है कि अगर आप बॉडी मसाज करते हैं दोस्तों, तो बॉडी मसाज करने से भी जो है आपका मूड भी फ्रेश होता है। जी दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी अगर आपके बॉडी में जो है स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो जो ड्रॉप होता है बॉडी मसाज करने से, और जो गुड फील हार्मोन होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि जो है आपका जो मूड है वो फ्रेश होता है और आप जो है हैप्पी फील करते हैं, यानी कि आपको जो अच्छा फील होता है। तो निगेटिव जो थिंकिंग जो होती है वो चली जाती है और अच्छी अच्छी थिंकिंग आपको। तो दोस्तों बात करते हैं कि बॉडी मसाज जो है किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों तो बॉडी मसाज जो है हर इंसान को करना चाहिए दोस्तों, और लेडीज़ या फिर जेंट्स सबको करना चाहिए, क्योंकि बॉडी मसाज जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है। मैं जितने भी आपको बेनिफिट बताते जाऊँगा उतने ज़्यादा है कम है दोस्तों। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है बॉडी मसाज कर लिए, तो फिर आप बॉडी मसाज जरूर करिए दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है हर महीने आप बॉडी मसाज को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि बॉडी मसाज आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी है, आप लोग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और आप हमें चाहे बड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।